जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ गई, यानी आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया। क्या सत्य है क्या गलत है? तो इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि सीटेट से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। सीटेट का नया विज्ञापन क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं आपसे। सीटेट का नया नोटिफिकेशन में क्या क्या बदलाव हुआ है सब चीज़ पर बारीकी से बात कर लेते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सीटेट नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं और सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो खास है। क्या सीटेट का तैयारी अभी से करना चाहिए? तो जी बिल्कुल, अभी से ही करना चाहिए। नोटिफिकेशन में क्या है नया वो भी हम आपसे बता देते हैं। देखिए, सीटेट नोटिफिकेशन 2023 का आप इंतज़ार कर रहे हैं तो शिक्षा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा देने के लिए आवेदन सीटेट मार्कशीट व सर्टिफिकेट जारी होने के पश्चात जारी किए जा सकते हैं। अभी आपका डिजी लॉकर में मार्कशीट को नहीं डाउनलोड किया गया है। जो मार्कशीट आप इंतज़ार कर रहे हैं वह सर्टिफिकेट डिजी लॉकर एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं किया है। जब डिजी लॉकर में आपका सर्टिफिकेट और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उसके बाद मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। मार्च के अंतिम सप्ताह में आपका डिजी लॉकर में मार्कशीट को दिया जा सकता है। लेकिन अब आपका जुलाई सीटेट का नोटिफिकेशन कब मिलेगा, तो यहाँ देख लीजिए आप, जुलाई सीटेट अगस्त महीने में एक बार फिर देखने को मिल सकता है। जब आपका यह मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है, उसके अलावा सीटेट का नए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत आपको जुलाई या अगस्त महीने में देखने को मिल सकती है। और आपको हम बता देते हैं कि सीटेट का नया विज्ञापन अप्रैल के पहले सप्ताह, यानी अभी अप्रैल चल रहा है, इसका पहले सप्ताह ही आपको देखने को मिल सकता है। विज्ञापन जारी होने के पश्चात आवेदन करने के लिए छात्रों को एक महीना का समय दिया जाता है। आपको जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एक महीना का आपको समय मिलेगा, उसके बाद अपना तैयारी करते रहिए और तैयारी को नहीं छोड़िए। जब तक आपका तैयार नहीं रहिएगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए तैयारी करते रहिए। आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा और आपका जुलाई सीटेट एग्ज़ाम होगा। और बहुत सारे चैनल पर ऐसे अफवाह फैलाया जा रहा है कि अभी अभी जारी हो गया आपका नोटिफिकेशन, ऐसे अफवाह में ना पड़े और हमको दीजिए इजाज़त। फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।